एवरीवन, मैं हूं निधि तिवारी और आज फिर से मैं एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम मैंने रखा है आलू बॉम्ब। इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट डालेंगे। जो नॉर्मल कटलेट्स होते हैं या जो ब्रेड पकोड़े होते हैं या फिर जो ब्रेड रोल्स होते हैं, उसमें एक सिंपल सा टेस्ट होता है आलू का, फिलिंग का, पर हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे और उसको थोड़ा सा और स्पाइसी और थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, फिर यहाँ पे है एक चीज़ क्यूब, इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे है शेज़वान चटनी, ये मैंने रेडीमेड वाली यूज़ की है, आप जो घर पे बनाते हैं वो वाली चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे है चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम यूज़ करें क्योंकि वो शेज़वान चटनी में भी होता है। देन यहाँ पे है धनिया। फिर यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, इसको कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे है थोड़ा सा दूध। सारे इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड्स हैं उसके साइड्स काट के अलग कर लिए हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्हीं साइड्स से मैं ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। अब ये जो चीज़ है हम इसको ग्रेट करेंगे। तो जब भी आप फ्रिज से चीज़ निकालते हैं तो ज़्यादा देर के लिए उसको बाहर ना रखें, जल्दी से ग्रेट कर ले। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे लगाया इस पर और उसके बाद मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है। बेटर होगा कि पहले आप आलू मैश कर लें उसके बाद चीज़ में मिक्स करें। देन यहाँ पे शेज़वान चटनी ऐड करना है। धनिया की पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक मिक्स कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे हम और इस तरीके से इसके हम बॉल्स बना लेंगे। सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उनको हल्का हल्का सा दूध में डिप करेंगे और इस तरीके से निचोड़ लेंगे। इसके बाद जो फिलिंग है उसको हम बीच में रखते हुए ऐसे क्लोज कर लेंगे। क्रैक होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ब्रेड को अच्छे से उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। और फिर जो ब्रेड क्रम्स है उसमें हम इसको रोल कर लेंगे। इसी तरह से सारे रोल्स हम बना लेंगे। रोल्स रेडी हो गए हैं तो अब हमको इसको शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करना है। आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे वो इंटैक्ट हो जाते हैं जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो, और वो बिखरते नहीं है तेल में। तो जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसको फ्राई कर लेंगे। याद रखें यहाँ पे हमको सरसों का तेल या फिर कोई भी फ्लेवर वाला तेल यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमको हीट मीडियम टू हाई रखनी है वरना तेल एब्जॉर्ब कर लेता है जो ब्रेड होता है। दूध में हमने इसीलिए डिप किया था ब्रेड को क्योंकि इससे तेल कम एब्जॉर्ब होता है। जैसे ये गोल्डन कलर का हो जाएगा हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। सो फाइनली सारे ब्रेड बॉम्ब्स रेडी हैं। इसे मैंने रेड चिली सॉस के साथ सर्व किया है, आप इसे किसी भी तरीके की सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।